तो दोस्तों, ये अपडेट आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वे सभी कैंडिडेट जो डीयू को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए आज तो ऑब्वियस ही बात है कि लास्ट डेट है आपके किसकी। जी हाँ भैया, रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन क्या, चॉइस फिलिंग की। यहाँ लॉक हो जाएंगी आज आपकी, जो मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। नहीं है तो मैं एक बार और क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ कि भैया, जो प्रेफरेंस फिलिंग एक्सटेंशन हुई थी, आपको दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा तो मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, कि फेज टू का एक्सटेंड हो गई थी डेट। अच्छा, डेट तो एक्सटेंड हुई नहीं थी, सच्चाई ये है कि टाइम उनने बढ़ा दिया था। ये पहले जो है, ये शाम को 5 बजे जो है आपकी क्लोज होने वाली थी, जिसको बढ़ा के इन्होंने क्या कर दिया, 11:59 कर दिया, यानी 6 घंटे 7 घंटे लगभग बढ़ा दिया। तो इसका फायदा उठाना है अभी के अभी। चेक कर लो भाई, आपकी प्रेफरेंसेस जो आपने फिल करी हुई हैं वो सही करी कि नहीं करी। अदरवाइज जैसे ही 11:59 होंगे, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगी आपकी प्रेफरेंस। आप सबमिट करो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो गलती नहीं करना, अभी भी समय है, जाके एक बार चेक कर लो और आपकी चॉइस फिलिंग को ठीक करके फाइनली सबमिट कर दो, ठीक है। अब सबमिट जैसे ही आप कर देंगे, उसके बाद की क्या प्रक्रिया होने वाली है, वो सारी जानकारी आपको जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि उसके बेसिस पे आप आगे की प्रक्रिया कर पाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार शेड्यूल जो है खोल लेते हैं। किसका? जो हमारा डीयू का शेड्यूल है। क्या शेड्यूल है भैया यहाँ पे? इस शेड्यूल के हिसाब से फेज वन और फेज टू वाला जो सीसीएस चल रहा है, उसकी जो डेट थी, है ना, ऑटो लॉक प्रेफरेंस, वो 9 अगस्त को 5 बजे थी, जो बढ़ के 11:59 हो गई है। आज ये खत्म हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है सीसेस ऑटो लॉक द प्रेफरेंसेस, ऑटो लॉक हो जाएंगी इसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस, तो ये समाप्त हो जाएगा। अब क्या होगा इसके बाद, ये देखोगे आप तो इधर दिखा होगा डिस्प्ले ऑफ सिमुलेटेड रैंक। अब क्या है बच्चों का सवाल, यही है कि ये सिमुलेटेड रैंक क्या होती है, क्या होती है सिमुलेटेड रैंक, इसी पे हम आपको चर्चा करने वाले। उसके आगे फिर आगे की प्रक्रिया हम डिस्कस कर लेंगे। देखो यार, पिछले साल तक जो हो रहा था कि डीयू ने क्या किया हुआ था, पिछले साल तक डीयू ने आपके लिए रैंक बताई थी। क्या बताई थी? रैंक बताई थी कि पर्टिकुलर क्या कैसी रैंक है। इसके अलावा यहां पे उन्होंने रिजल्ट भी परसेंटाइल में दिया था आपका, है ना। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस बार इन सबको हटा के इन्होंने क्या कर दिया, केवल आपके मार्क्स बताए हुए हैं। अब मार्क्स तो बताए हुए हैं, हमें ये पता है कि डीयू में 71,000 सीट्स हैं, और ये सीट्स बढ़ती रहती हैं, घटती तो नहीं है, है ना। एक वीडियो में मैंने बताया था कि ये भैया लगभग 80-82 हज़ार कुछ स्टूडेंट्स को दे देते हैं एडमिशन, बढ़ा देते हैं, है ना, 10-20% का क्राइटेरिया वैसे भी बढ़ा देते हैं। तो भाई चलो, हम फिर भी एक ऑन एन एवरेज लें, 71,000 जो है सीट्स हैं इनकी। अब इससे ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, ऑब्वियसली बात है, तो उनके लिए एक प्रेफरेंस बताई जाएगी कि भाई आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कहाँ लाए कर रहे हो, आपकी क्या रैंक है। वही जो रैंक है वो आपकी क्या हो जाएगी, वही रैंक आपकी सिमुलेटेड रैंक कहलाई जाएगी। क्या? सिमुलेटेड रैंक। अब ये रैंक आपको जब पता चल गई, मान के चल लेते हैं यहाँ पे कि आपको पता चला कि मेरी 5,000 रैंक है, या फिर हो सकता है कि 50,000 रैंक है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये जो रैंक है उसके हिसाब से फिर आपको मौका दिया जाएगा लगभग 1 से 2 दिन का, जिसमें आप क्या कर सकते हैं। अभी तक तो हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि यार हमें क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता, कितने बच्चों के आपके मार्क्स के बराबर आए हैं, कितने बच्चों के आपके मार्क्स से ज़्यादा नंबर आए, ठीक है। तो अब जब ये एक रैंक आपको पता चल जाएगी, तो ये टेंटेटिव रैंक कहलाती है बेसिकली, जिसमें एक आइडिया आपको लग जाएगा कि यार मुझे क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो मिल सकते हैं कॉलेजेस के, समझ रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस में फेरबदल फिर कर पाएंगे। ये कर पाएंगे कब कर पाएंगे, ये रैंक जनरेट होने के बाद। अभी आज रात को 11:59 पे आपकी ऑटो लॉक हो जाएंगी प्रेफरेंसेस, ठीक है, यानी अब आप नई ऐड नहीं कर पाएंगे, समझ पा रहे हो क्या। अब बस फेर बदल ही होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी समय है आपके पास, आपको अगर कुछ ऐड करना है, कुछ चेंज करना है, ऊपर नीचे करना है, तो ये आप कर लो, समझ रहे हैं। बढ़िया, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे ही ये रैंक आपकी जनरेट होंगी, तो आपके पास क्या है भाई, ये दिख रहा होगा यहाँ, प्रेफरेंस चेंज विंडो। केवल प्रेफरेंसेस चेंज करोगे आप, और कुछ नहीं करोगे। आपने जो कॉलेज की प्रेफरेंसेस
बनाई हुई है जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस दी हुई है कॉलेजेस को, बस उनमें आप कर सकते हो कि थर्ड को फर्स्ट कर लो, लास्ट को ऊपर कर लो, जो भी आपको करना है आपके हिसाब से ऊपर नीचे करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो कि आपका जैसे ही 11 अगस्त होगा, क्योंकि 11 अगस्त को क्या होगा, वो रैंक आपकी आ जाएगी सिमुलेटेड रैंक शाम को 5 बजे, ये संडे के दिन होने वाला है, जैसे ही वो आएगा उससे लेके मंडे को रात के 11:59 यानी 12 तारीख के रात के 12:01 पहले तक आपको क्या हो जाएगा, 13 तारीख होने से पहले की बात चल रही है यहाँ पर, आपको ये समय मिल जाएगा, आप अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर लोगे। जैसे ही प्रेफरेंसेस आपने चेंज कर ली, अगर आपको करनी हुई तो, नहीं करनी तो कोई बात ही नहीं है, फिर फाइनली आपका 16 अगस्त के दिन जो है शाम को 5 बजे शुक्रवार के दिन, यानी कि मान के चलो, क्या मान के चलो, आज से नेक्स्ट वीक, बहुत बढ़िया, आपका यहाँ पे एलोकेशन जो है फर्स्ट लोकेशन आपका आ जाने वाला है। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ तक की रहेगी, इसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। वैसे तो मैंने एक वीडियो में सारा आपका शेड्यूल बता दिया था, लेकिन फिलहाल अभी ये होने वाला, जैसे ही आपकी ये लिस्ट आएगी, अब लिस्ट में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो फिर आगे के ऑप्शन होंगे, आपको एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना है नहीं करना है क्या करना है आपको, हाँ यहाँ पर रुकना है, विड्रॉ करना है, सारी चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे कि क्या कैसे चीज़ें होने वाली हैं, फ्लोट करना है या फिर अपग्रेड करना है, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, चलिए फिलहाल मुझे लगता है ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सिमुलेटेड रैंक बहुत सारे बच्चे ये जानना चाह रहे थे, तो आपको करना क्या है कि ये वीडियो तो लाइक करना ही है, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए, और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि CUET से रिलेटेड हर एक जानकारी यहाँ आपको मिलती रहे। बाकी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.